लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर बीजेपी से। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 4 सभा को किया संबोधित। चुनाव प्रचार के लिए की जनसभा। इस दौरान क्या बोले प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश भी 2 सभा में प्रधानमंत्री के साथ किया मंच शेयर। पीएम को कहा धन्यवाद और क्या बोले सीएम। तेजस्वी की लगातार ताबड़तोड़ रैली जारी। जानिए जनता से क्या पूछा सवाल। जदयू ने तेजस्वी पर लगाया आरोप। जानिए क्या बोले मंत्री नीरज कुमार। न्यूज बुलेटिन में है आगे। कुशवाहा ने क्या किया दावा। आरजेडी और बीजेपी को लेकर क्या कही बड़ी बात। पप्पू यादव ने प्लास्टर लगाकर की जनसभा। जानिए क्या किया जाप सुप्रीमो ने वादा। जाते जाते बताएंगे कि दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को। कैसी है प्रशासन की तैयारी और कांग्रेस ने क्या कह दी बड़ी बात। किसको लेकर दिया बयान। अब खबर विस्तार से। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बिहार दौरे पर रहे। नरेंद्र मोदी ने रविवार को छपरा, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा में जनसभा को किया संबोधित। मोदी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। मोदी ने सीएए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की समाप्ति, राम मंदिर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष पर करारा वार किया। मोदी ने कहा कि 1 साल होने को है लेकिन अभी तक किसी की भी सीएए की वजह से नागरिकता नहीं गई है, मगर विपक्ष कैसा भ्रम फैला रहा था। वहीं तेजस्वी और राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जहां एक तरफ डबल इंजन सरकार है तो दूसरी तरफ डबल डबल युवराज है, और कहा कि नीतीश जी का कोई रिश्तेदार, भाई या बहन क्या राज्यसभा गया है। नहीं गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक बार फिर लालू फैमिली पर किया अटैक। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समस्तीपुर और बगहा की सभाओं में मंच साझा किया। पीएम मोदी के पहले नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू राबड़ी सरकार पर सीधा निशाना साधा। कहा कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही पूरा बिहार है, पति पत्नी बेटा बेटी ही बिहार है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए पूरा बिहार परिवार है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बिहार में उनके कामों के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही लोगों से कहा कि आपका भी शुक्रिया जो धूप में हमारी बात सुनने आए हैं, और विपक्ष पर साधा निशाना। राजद नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन भी धुआंधार प्रचार किया। रविवार को उन्होंने 15 चुनावी सभाएं की। उन्होंने पिपरा, हसनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, इस्लामपुर, हिलसा, बख्तियारपुर, मनेर, दानापुर, दीघा, वैशाली, महुआ, राजापाकड़ और राघोपुर में लोगों से महागठबंधन के लिए मांगे वोट। राघोपुर में तेजस्वी ने एक ही दिन में 2 सभाएं की। यहां से वो खुद लड़ रहे हैं चुनाव, जबकि हसनपुर में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं। तेजस्वी ने दर्शकों से कहा कि 10 नवंबर को नीतीश सरकार की विदाई तय है, और भीड़ से पूछा कि कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोगों का अस्पताल में इलाज ठीक से हुआ है, कितने लोगों के बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हैं। जदयू के कद्दावर नेता और मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर जमकर निकाला भड़ास। कहा कि तेजस्वी के नाम से उनके ननिहाल फुलवरिया और सरायकेला में है कई कट्ठा जमीन। यह जमीन गरीबों से नौकरी दिलाने के नाम पर ली गई है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जंदाहा, महनार विधानसभा समेत कई रैलियों को किया संबोधित। कुशवाहा ने बिहार की जनता से मांगा एक मौका, साथ ही अपने प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। वहीं उन्होंने दावा किया कि बिहार में राजद और भाजपा मिलकर बनाएंगे सरकार। वहीं उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच सांठ गांठ हो चुकी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कुशवाहा के जवाब में कहा कि अगर तेजस्वी को बीजेपी से मिलकर सरकार बनाना होता तो वो पहले ही बीजेपी के साथ मिलकर सूबे के सीएम बन जाते। वहीं उन्होंने कहा कि कुशवाहा राजनीति में ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। वहीं मृत्युंजय ने कहा कि एक तेजस्वी के हेलीकॉप्टर के पीछे बीजेपी और नीतीश का 32 हेलीकॉप्टर घूम रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने रविवार को पटना के फतुहा, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, सीवान और वैशाली में जनसभाओं को किया संबोधित। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि आपने 30 साल 2 नेताओं को दिए, 3 साल हमें दीजिए। साथ ही वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे 50% आरक्षण, और जनता से कहा कि आप ये मंथन करें कि आखिर क्यों हमारा प्रदेश भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय के सूचकांकों में सबसे निचले स्थान पर है। आपको बता दें कि शनिवार को मंच टूटने से टूट गया था पप्पू यादव का हाथ। प्लास्टर लगाकर फिर कूदे प्रचार अभियान में।
राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार और नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार की जनता पसंद कर रही है, इसको लेकर विरोधी बेहद परेशान है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किया वार। चिराग ने कहा कि ये चुनाव बिहार के आने वाले 50 साल का भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों है बिहार पिछड़ा जबकि दूसरे प्रदेश भी एक साथ वजूद में आए। वहीं चिराग ने लोजपा प्रत्याशी को जिताने की लोगों से की अपील और नीतीश पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। बिहार में विधानसभा के दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को है। रविवार को दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर थम गया। इस चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या पटना जिले में 176 है। यहां कुल 4830 मतदान केंद्र हैं, जहां शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन सतर्क है। इसे तो बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर के दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमार रवि ने दी इसकी जानकारी। कांग्रेस का बीजेपी और जदयू पर सीधा वार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि बिहार में डबल धोखे की है सरकार। एक जुमलेबाज दिल्ली वाला है तो वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज बिहार वाला है। इन दोनों जुमलेबाज और धोखेबाज ने बिहार के संसाधनों को मिलकर लूटा है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।